परोपकारी पेड़, त्याग, परोपकार, प्रेम एवं उदारता मानव चरित्र के वे विशेष गुण हैं जिनके बल पर कोई भी व्यक्ति महान कहलाता है। आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इसमें छिपे संदेश को समझने का प्रयास करें। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके फूलों से माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ से सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया और बोला, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने उत्तर दिया, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। युवक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरा तना काट कर उससे नाव बना लो। आदमी पेड़ का तना काट कर ले गया, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। अब केवल उसका ठूंठ ही बच गया था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने कहा, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था।